बिहार में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश हो रही है। तेज बारिश के बीच बिहार में एक और पुल धंस गया है। सिवान में गंडकी नदी पर बना पुल बुधवार सुबह धंस गया। पुल का एक पिलर धंस गया है, जिसके बाद पुल गिर गया। इससे 12 गांवों की आबादी प्रभावित हुई है। ये पुल इन गाँवों को महाराजगंज जिला मुख्यालय से जोड़ता है। इधर सीतामढ़ी में बाढ़ जैसे हालात हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण जिले के सूरसंड में लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। मुख्य सड़क पर पानी भी भर चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसने लग गया है। वहीं बुधवार सुबह आरा, सिवान, गोपालगंज में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पटना, जहानाबाद, नालंदा में अगले 3 घंटे बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में पटना, सारण, गया, भोजपुर, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, अरवल, मुजफ्फरपुर और कैमूर जिले में कहीं जोरदार बारिश तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में कमी आई है। अगले 48 घंटे में तापमान 4 डिग्री और गिरेगा। सिवान में गंडकी नदी पर बना पुल का एक पिलर नदी में धंस गया है, जिससे पुल का एक छोर नदी में गिर गया है। यह पुल दरौंदा प्रखंड के देवरिया और भीखा बांध गांव की सीमा पर स्थित है। पुल के जर्जर होने को लेकर ग्रामीणों ने बीते 22 जून को विरोध प्रदर्शन किया था। मरम्मत भी हुई थी, बावजूद इसके आज बुधवार की सुबह करीब 5 बजे पुल का एक पिलर नदी में धंस गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गंडक विभाग के द्वारा नहर की सफाई कराई गई थी। इस दौरान बिना मानक का ध्यान रखे नहर के किनारे से जेसीबी से मिट्टी की कटाई की गई थी, जिसके कारण से पिलर के किनारे से भी मिट्टी बह गया और पुल गिर गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राजधानी पटना में 6 जुलाई तक बारिश की संभावना है। हालांकि पूरे सप्ताह आसमान में बादल छाए रहेंगे। कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। कोसी बराज के 56 में से 33 फाटक खोले गए हैं। मंगलवार की शाम 4 बजे बराज से डिस्चार्ज 2,21,460 क्यूसेक के करीब पानी पहुंचा। कोसी तटबंध के 47 किलोमीटर सपर सुजानपुर गांव के पास और कुछ अन्य जगहों पर नदी दबाव बना रही है। पूर्वी कोसी तटबंध के 16.58 किलोमीटर स्पर के पास कटाव के हालात बने हुए हैं। राज्य में बारिश होने के बाद से गंगा समेत अन्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर के रून्नी सैदपुर में बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर है। मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान नदी खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर है। पूर्णिया में ढेंगरा घाट में महानंदा नदी खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर ऊपर है। अररिया में परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर है। बीते 24 घंटों में पटना शहर में गंगा का जलस्तर दीघा घाट पर 80 और गांधी घाट पर 44 सेंटीमीटर बढ़ गया है। पिछले 5 दिनों में गंगा में पानी दीघा घाट पर 120 और गांधी घाट पर 71 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं बीती 28 मई को जलस्तर दीघा घाट पर 42.60 और गांधी घाट पर 42.71 मीटर दर्ज किया गया था। हालांकि राजधानी में गंगा अभी खतरे के निशान से कुछ नीचे है। दीघा घाट पर खतरे का निशान 50.45 और गांधी घाट पर 48.60 मीटर पर है।